जेब में था चिल्ला। ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू ट्रेंडिंग रील वीडियो एडिटिंग जो कि आपने भी स्टार्टिंग में देखी। सो आज इस वीडियो के ऊपर जो है मतलब काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, मतलब लास्ट टाइम मैंने देखा था, तो इसके ऊपर जो है हम ट्यूटोरियल बनाएंगे आज की इस वीडियो में। तो जो भी ट्रेंड चल रहा होता है इंस्टाग्राम पे हम उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो गाइस आप लोगों को ऐसे ही मतलब जो भी ट्रेंड अगर आपको पसंद आता है तो मेरे को आप उस वीडियो में जाके कमेंट में मेंशन कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वीडियो लाके दे दूंगा इस चैनल पे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इसलिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो गाइस आप लोगों को पता लग जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक कर दो और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, यहाँ पे जो आपको कैपकट ऐप का यूज़ करना है इस वीडियो को एडिट करने के लिए, एंड जो भी स्टेप मैं बताऊंगा आप लोग ध्यान से इसको देखते रहना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपकट ऐप को ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपली अपनी वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है गाइस, आप लोगों को जो एक वीडियो मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो आपको जो यहाँ पे ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करना है, उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है क्योंकि गाइस उसको हम साइड में रखेंगे एंड जो भी मतलब उसमें सिस्टम्स वगैरह जितने भी होंगे सारा हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइज को छोटा करके जो आपको साइड में रख लेना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसको देख के भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। बाकी मैं इसको यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ अभी। एंड देखिए गाइस यहाँ पे जो है ना लेंथ जो होगी आपकी वीडियो की उसको आप कोशिश करना कि इस वीडियो के हिसाब से ही हो। मेरी यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी कम है लेंथ इसकी, तो मैं इसको इतना रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को प्ले करके देखेंगे कि यहाँ पे ब्लर जो है कहाँ तक शुरू हो रहा है, कहाँ तक मतलब खत्म हो रहा था, हम उतने इसके हिसाब से यहाँ पे ब्लर रखेंगे। तो इतना कुछ ब्लर आ रहा है यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना रखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे ब्लर को ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे गाइस आप ब्लर कोई से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आपको कोई जो मर्जी जो मतलब बेस्ट लगे वो रख लेना है, यहाँ पे कोई मतलब कि परमानेंट नहीं है कि आपको यही ब्लर रखना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना है कि आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग सेक्शन में ही वो ब्लर मिल जाएगा। तो मैं बताता हूँ आपको कौन सा है वो। तो वो जो ब्लर है वो एक ये वाला फर्स्ट वाला जो है डायमंड जूम, ठीक है, ये वाला ब्लर है जो आपको यहाँ पे ऐड करना है। एंड इसकी जो इसके ऊपर टैप करोगे तो आपको साइज़ वगैरह इंटेंसिटी वगैरह जो आपने अपने हिसाब से रख लेनी है। तो इंटेंसिटी मैं 100 रख लूँगा एंड स्पीड को मैं थोड़ा कम कर दूँगा, ठीक है। एंड साइज़ को जो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जो कि डायमंड होंगे वो छोटे बड़े आप मतलब अपने हिसाब से रख लेना। बाकी गाइस देखिए यहाँ पे आपको जो इसका लेंथ है वो स्टार्टिंग से रखना है, तो ये अभी थोड़ा आगे की तरफ है तो मैं इसको पीछे की तरफ रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें जो है गाइस आप लोग जो है मतलब कि थोड़ा ध्यान से करना एंड टाइम देखे करना, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा वीडियो अच्छी एडिट होगी। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो को प्ले करके देखते हैं एंड इसके बाद जो है ब्लर को ऐड करने के बाद जो हमारी वीडियो में स्लोमो चाहिए हमें, ठीक है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा नीचे की साइड में वहाँ पे स्लोमो चल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे थोड़ा सा वीडियो को प्ले करके देख लेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे वीडियो को स्प्लिट कर देंगे क्योंकि स्लोमो ऐड करने में ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। यहाँ पे तो गाइस देखिए यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है वीडियो यहाँ पे हमारी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे स्पीड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड एक कर्व वाले स्लोमो को लेंगे, ठीक है। एंड जो सबसे फर्स्ट वाला है ना इसको हम यहाँ से एडिट करेंगे, ठीक है। बाकी जो तीन चार ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से आप चेक कर लेना, अगर आपके में कोई मैच हो जाता तो ठीक है, वरना आप यहाँ से कस्टम वाले में से भी जो है मतलब आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो कस्टम वाले में जाएंगे हम यहाँ पे एंड यहाँ पे जो है वीडियो को जैसे जैसे आप स्लोमो को छेड़ोगे वैसे वैसे वीडियो प्ले होती रहेगी। तो आप लोग जो यहाँ पे चेक करते रहना प्ले होने के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो मेरी जो है ज़्यादा मतलब कि है नहीं यहाँ पे मतलब कि लेंथ इसकी, तो मैं इसको ज़्यादा मतलब स्लोमो ऐड नहीं करूँगा इसमें, ठीक है। तो अभी हम जो इसको हमें प्ले करके देख लेते हैं एंड यहाँ पे जो है मतलब वीडियो की जो मेरी लेंथ थोड़ी सी कम पड़ गई, बट यहाँ पे हमने मैनेज कर लिया है यहाँ पे मतलब कि जैसे तैसे हमने थोड़ा बहुत जो जुगाड़ बना के हमने एडिट किया इसको, ठीक है। तो अभी जो है आप लोगों के देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो है स्टार्टिंग लास्ट में जो थोड़ा सा और स्लोमो ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम प्ले करके इसको चेक कर लेते हैं। तो आप गाइस ये परफेक्ट तरीके से यहाँ पे जो हमने एडिट कर लिया गाइस, ठीक है। यहाँ पे तो बाकी जो स्लोमो वगैरह ऐड करने के लिए आप लोग और थोड़ी लंबी वीडियो बना लेना, उसमें आप स्लोमो ऐड करोगे तो मतलब कि एकदम परफेक्ट एडिट हो जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम जो है लव वाली वीडियो डिलीट करते हैं यहाँ पे जो हमने ऐड किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे जो म्यूज़िक ऐड करेंगे, तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको सबसे पहले बैक चलना है। बैक जाने के बाद आप लोग यहाँ पे ऑडियो के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जो ऑडियो आपको जो ऐड करनी है वो ऑडियो होगी गाइस जो अभी मैंने आपको वीडियो दी थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी वाली वीडियो का ऑडियो यहाँ पे ऐड करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे हम इसको ऐड कर लिया, यहाँ पे प्ले करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये आज की जो हमारी वीडियो थी वो गाइस यहीं तक थी। तो आई होप कि आप सभी वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद होता है वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चले गए अब जो वीडियो हम सेव कर लेते हैं एंड बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।